नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आज शुक्रवार को दतिया जिला चिकित्सालय सहित कुल 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का अभ्यास ट्रायल रन किया गया। दतिया जिला अस्पताल के अलावा बडूनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सोनागिर PHC पर भी एक साथ ट्रायल रन किया गया। इस अवसर पर अगले सप्ताह तक आने वाले कोरोना वैक्सीन को कैसे लगाया जाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये जांचा गया। साथ ही किस तरह की तैयारियां हैं, कहां कहां चूक हो सकती है, ये भी देखा गया। गौरतलब है कि दतिया जिले में अगले सप्ताह तक वैक्सीन आने की संभावना है। पहले लगभग 4000 हेल्थ वर्कर्स को यहां वैक्सीन लगाई जाती है। आज हुए ड्राई रन के समय CMHO डॉक्टर SN उदयपुरिया, सिविल सर्जन डॉक्टर SN शाक्या सहित अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की ओर से सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। उसके लिए एक ड्राई रन आयोजित किया गया है। पूरे देश भर में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी तैयारियों को जांच लें, परख लें, देख लें कि जब एक्चुअल वैक्सीन लगेगी तो किस तरह से तैयारी करनी है। अगर कोई कमी पेशी हो तो वो ड्राई रन में ही हम उसको सुधार कर सकें। तो इसके लिए जो हमें जो लक्ष्य दिए गए थे, कम से कम हमें 3 जगह पर करना था ड्राई रन, तो आज हम जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौनी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनागिर पर एक साथ कर रहे हैं। तीनों जगह पे कुल मिला के हमने